मनोकामना पूरी कर रहे हैं। मनोकामना पूरी होती है, होती है। आप गवाह इस बात के है जी, आपकी हुई आप जमास के देख लो थानेदार आज खोल के गया लॉकडाउन में इसके नीचे आज भी है जी, आज भी है, आज की नुगनू है जो इतने छोटी थी ना वो भी ऐसी की ऐसी है इसके अंदर। तो देख लीजिए दोस्तों 16 से कुछ की है घटना है, उसके बाद की जो छोटी ईंटे वगैरह लगी हुई है वे आज भी इसके अंदर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल राइजिंग रुद्रा टीवी। आप में से कुछ लोगों को याद होगा अब से कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाई थी मुरथल के पांच बावरियों के स्थान पर, जहां पर उन पांच बावरिये मुगल सेना से लड़ते हुए उनके शीश गिरे थे। आज मैं आपको लेकर आया हूं भारत के हरियाणा राज्य के जींद जिले के एक कस्बे तहसील जिसका नाम है सफीदो। आज मैं दिखाऊँगा आपको उन पाँच बावरियों की वो समाधि स्थल जहाँ पर मुगल सेना से लड़ते हुए 80 किलोमीटर दूर से उनके धड़ गिरे थे। ये जगह जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये कहलाती है सफीदो का बस स्टैंड रोड। यहाँ से रास्ता जाता है पांच बावरियों की समाधि स्थल की तरफ। ये एक गली है जिसे आप देख सकते हैं, यहाँ चारों तरफ मार्केट है जो अधिकतर जिसमें सामान जो मिलता है वो वही अधिकतर मिलेगा जो पाँच बावरियों की समाधि स्थल पर चढ़ता है। रविवार को यहाँ पर मेले जैसा माहौल रहता है। देखिए दोस्तों, अब मैं जहाँ जो जगह आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा विश्वास किया जाता है करीब 17वीं शताब्दी में मुगल काल में मुगल सेना से लड़ते हुए ये पांच जो डाकू परिवार से थे, कुछ लोग इन्हें बताते हैं कुछ लोग इन्हें राज परिवार से बताते हैं, वे यहाँ पर लड़ते हुए मुरथल से करीब 60-70-80 किलोमीटर दूर ये एरिया है, यहाँ पर लड़ते हुए उनके धड़ गिरे थे। आइए अब मैं आपको इनकी जगह दिखाता हूँ और हम जानना चाहेंगे कुछ। भाजी ये हमारे बीच में किनकी है समाधि? ये बाबा सबल सिंह बावरी जिनका नाम सारी दुनिया जानती है। तो ये सबल सिंह मेनली ये जो हम जिस रूम में हैं ये डेडिकेटेड है सबल सिंह बावरी जी को, जो इनमें सेकंड नंबर के भाई थे शायद सबल सिंह बावरी। दूसरे नंबर पे बाबा केसर बड़े से दूसरे थे ना ये सबसे सबसे बड़े सबल सिंह बावरी सबसे बड़े जो हैं। और यहाँ ऐसा विश्वास किया जाता है 17वीं शताब्दी में मुगल सेना से लड़ते हुए कहाँ मुरथल और कहाँ सफीदो, यहाँ पर इनके धड़ आकर लड़ते हुए शांत हुए थे। आप खुद ही देख लीजिए समाधि यही है। एक बार जरा सा हटेंगे जरा अच्छे से दिखाना चाहेंगे। समय के साथ श्रद्धालुओं ने बहुत अच्छे से इसको मेंटेन किया है। रविवार के दिन मेले जैसा माहौल होता है, दूर दूर से पूरे उत्तर भारत से लोग यहाँ पर आते हैं और इतनी मान्यता है इस जगह की। सबल सिंह बावरी की जी की समाधि से निकलकर अब हम जा रहे हैं बाबा केसर मल जी की समाधि को दिखाने आपको। ये देखिए सेकंड नंबर के जो भाई थे इन पांचों भाइयों में ये हैं बाबा केसर मल, इनके नाम है। इनकी समाधि देखिए कितनी भव्य है। यहाँ पर भी मेले जैसा माहौल रहता है और उसी समय बिल्कुल ये पांचों भाइयों के जो धड़ हैं आसपास ही गिरे थे, तो बिल्कुल पास में ही बाबा सबल सिंह बावरी की समाधि हमने दिखाई। अब हम आपको दिखा रहे हैं बाबा केसरमल और ये देखिए यहाँ पर श्रद्धालु सेवा करने वाले लोग। अब मैं जिस समाधि के सामने खड़ा हूँ ये पांचों बावरियों में बोली जाती है बाबा जीतमल बावरी की। ये भी इन्हीं पांचों भाइयों में से एक थे और ये वो जगह है, ये वो पवित्र जगह मानी जाती है जिसके नीचे बाबा जीतमल बावरी का शव, यानी कि इन्होंने अपने देह त्याग करी थी और इनका धड़ मुरथल से लड़ते हुए यहाँ तक पहुंचा था। ये है पांच बावरियों में से एक हरी सिंह बावरी की, जिनकी प्रतिमा आप देख सकते हैं एक डकैत के एक सैनिक के वेशभूषे में ये सभी भाई मिल देंगे आपको, और हाथ में हमेशा बंदूक अस्त्र शस्त्रों से लैस और पगड़ी मूछ टीका ये सब इनकी निशानी होती थी जैसे ये रहते थे, उसी रूप में आज भी इनकी श्रृंगार किया जाता है सेवा की जाती है। ये जो जगह आप देख रहे हैं 17वीं शताब्दी में मुगल सेना से लड़ते हुए बाबा हरी सिंह बावरी की यहाँ पर धड़ गिरा था। पांच भाइयों में एक और सबल सिंह बावरी के बराबर में ही टोडरमल बावरी जो इनके भाई थे उनकी समाधि आप देख सकते हैं, ये है। यहाँ पर ही 17वीं शताब्दी में मुगल सेना से लड़ते हुए टोडरमल बावरी सबल सिंह बावरी के बराबर में इनका देहावसान हुआ था, धड़ गिरा था, जिसकी आज भी उत्तर भारत में दूर दूर से मान्यता है। पंडित जी एक चीज़ बताइए, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं हमारे यहाँ पर?
बहुत दूर दूर से आते हैं, भारत में हर जगह से, हर जगह से लगभग, पंजाब हरियाणा में भी और दिल्ली से भी कई जगह से आते हैं, कई राज्यों से आते हैं। मेन दिन कौन सा होता है? संडे को, रविवार को, और बाकी किसी दिन भी? वीरवार को, बाकी वीरवार। हाँ जी। और मेला वगैरह किस दिन खास लगता हो? खास कर मेला तो दशहरे को लगता है। ऐसे के पहले जो था ना वो समाधि थी बाबा जी की, ठीक है, फिर ये बाद में बाबा जी की मूर्ति स्थापना हुई थी। अच्छा। ठीक है जी। कितने वर्ष पहले? ये तो कम से कम हो गए हुए 30-40 वर्ष पहले। उससे पहले कच्चा था? हाँ जी, ये थोड़ा छोटी ईंटों का बनवा था और थोड़ा बहुत प्लस्तर था, समाधि थी सारी, इनू की समाधि थी। हाँ। फिर इनको थोड़ा रूप दिया गया है। हाँ, वो छोटी ईंटें। हाँ जी, ठीक है जी। इसमें थी? हाँ जी, इसके नीचे आज भी है। आज भी है, आज की नुगनू है, जो ईंटें छोटी थी ना वो भी ऐसी की ऐसी है इसके अंदर। तो देख लीजिए दोस्तों, 16 से कुछ की है घटना है, उसके बाद की जो छोटी ईंटें वगैरह लगी हुई हैं वे आज भी इसके अंदर है। इन्हीं पांचों बावरियों की समाधि स्थल के पास है बाबा अस्तबली जी की समाधि, ये भी यहाँ पर पांचों बावरियों के समय से पहले की है। और जो भी श्रद्धालु पांचों बावरियों पर यहाँ पर आते हैं वे भी यहाँ पर अक्सर दर्शन करने आते हैं। ये देख लीजिए, ये है बाबा अस्तबली जी महाराज की समाधि स्थल, जो ऊपर देखिए हाथी का निशान बना हुआ है, ये भी यहीं पर स्थापित हैं काफ़ी समय से। इन्हीं पांचों बावरियों के जो गुरु थे, जिन्होंने इन्हें शक्ति दी थी, माना जाता है नागा बाबा जो मुरथल में तपस्यारत थे, उनकी समाधि, उनका धुने का प्रतीक भी, निशानी भी यहाँ पर इस सफीदो धाम में बना रखी है। ये है, आप देख सकते हैं, जय नागा गुरु की ऊपर लिखा भी हुआ है। तो ये थे वो नागा साधु गुरु जो मुरथल में तपस्या रत थे और जिन्होंने, जिनकी शक्ति से ये पांचों बावरिया 5 लाख मुगल सेना पर भी भारी पड़ गए थे। यहाँ पर हर तरह का चढ़ावा चढ़ता है, यानी कि शराब भी, सिगरेट भी और लड्डू वगैरह का भोग भी। आप देख सकते हैं एक भक्त जन यहाँ पर शराब की बोतल भी लाया हुआ है, जो कि अक्सर यहाँ पर पांचों बावरियों की समाधि स्थल पर चढ़ती है। जैसा कि आपने देखा होगा मुरथल में भी इसी प्रकार इन चीज़ों का चढ़ावा चढ़ता है। लोग बताते हैं भाई साहब के यहाँ जो पांचों बावरियों की समाधि स्थल है यहाँ पर मान्यता मनोकामना पूरी होती है, क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? हाँ जी, हाँ जी, हमने जो मांगा भगवान जी ने दिया। यहाँ पे मिलता है? हाँ जी, मिलता है जी, तभी संगत इतनी आती है, तभी संगत इतनी आती है। हमारे साथ इसी सफीदो धाम में इतनी दूर से दर्शन करने इन पांच बावरियों की समाधि स्थल पर, आपको विश्वास नहीं होगा कहाँ से ये परिवार आया है। ये परिवार आया है महाराष्ट्र से। जी हाँ, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कौन से जिले से आया? सोलापुर। महाराष्ट्र में सोलापुर से ये परिवार आया है। जिला सोलापुर से। कितने साल से आते जाते हैं आप? हम तो 6 महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने। ऐसा बताते हैं यहाँ मान्यता पूरी होती है, आपकी कुछ हुई? हाँ, मन्नत होगी पूरी हमारी। हो गया? होगी पूरी। कुछ महाराष्ट्री मराठी में बोल कर दिखाइए। काय चाले, किसका चाले, मुझे तुमसे नाव का है। देखिए हमारी माई भी है, काफी एज की है, सोलापुर से आई। हाँ, सोलापुर के आई। बावरियों के दर्शन करने? हाँ, हाँ। उधर पापा के इतनी मानता है उधर? हाँ, मानते आती। उधर से और भी लोग आते हैं क्या? बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। 20-25 लोग हमें आते हैं, क्योंकि अभी तो थोड़े आए हैं, कोरोना का समय है। हाँ हाँ। तो आप भी आते हैं भैया? सभी एक साथ है? माँ मेरे, आपकी माँ है, गाड़ी से लेकर आए? गाड़ी छोटा थी, टेम्पो लेके आए, टेम्पो लेके आए। अच्छा, छोटा थी। भेड़ बकरी वगैरह जो भी है मान्यता अनुसार वो भी चढ़ता है। आप देख सकते हैं एक परिवार यहाँ पर लेकर आया है, और ये जो भी है कोई और शक्ति इन्हें संचालित कर रही है इस समय, ये इसी जगह पर है। ये पांच बावरियों के चढ़ाने के लिए लेकर आए हैं भाई साहब? हाँ, पांच बावरियों के लिए। वैष्णो प्रसाद भी करता है? वैष्णो प्रसाद भी करता है। हाँ, ये शब्द चाहिए था मुझे, वैष्णो प्रसाद। और इसको क्या बोलते हैं? इसके जो इनकी रीत होती है नी, वो ही चढ़ा के जाते हैं, इसको जिंदा छोड़ेंगे। यानी कि जिसकी रीत है, जिसकी रीत है वो जानवर भी देता है, जानवर भी छोड़ देता है यहाँ पर, यहाँ देता है। और जो वैष्णो प्रसाद है, यानी जो वैष्णो प्रसाद है वो भी चढ़ता है, वो भी चढ़ता है। तो ये है पांचों बावरियों का यहाँ पूजा का तरीका। हर प्रकार का व्यक्ति यहाँ आता है, और जिसकी जो मान्यता है, रीत है, उसके अनुसार पूरी होती है, मनोकामना पूरी कर रहे हैं। मनोकामना पूरी होती है, होती है। आप गवाह इस बात के? है जी, आपकी हुई कभी? आप जमास के देख लो, थानेदार आज खोल के गया, लोग खोल के गया, खोल के गया।
अच्छा उसने कोई मांग करी थी ना, मांग पूरी हुई उसकी, उसकी पूरी हुई। हाँ जी, सारा डेरो डेरो बजाने शुरू कर दिया। यहाँ भैया आप भी मानते हैं कि यहाँ मनोकामना पूरी होती है? हाँ जी। पांचों बावरी के स्थान पे? हाँ जी। आपकी कभी कुछ हुई? हाँ जी, बाइक ये नहीं पूछ रहा, बता दो बाइक हुई जी मेरी। आपकी बाइक हुई? हाँ जी। आप कहाँ से हैं? मैं कैथल से। कैथल से आए हैं, काफी दूर है वो भी। हर रविवार को आते हैं या कभी कभी? ना, महीना में लाग, महीने में एक चक्कर लगता है, दो भी लग जाए। नहीं तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी विजिट जिला जींद सफीदों पांच बावरियों की समाधि स्थल पर, जो कि मुरथल से यानी कि 80 किलोमीटर दूर से यहाँ से, वहाँ से बिना शीश के लड़ते हुए मुगल सेना से यहाँ तक आए थे, और जिनका डंका आज भी उत्तर भारत में गूंज रहा है।